सलमान खान मनमौजी हैं और वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। उनकी फिल्म राधे बनकर तैयार हो गई है और अब इंतजार है तो सिचुएशंस का नॉर्मल होने का, ताकि भाईजान की फिल्म को फैंस तक पहुंचाया जा सके। वैसे कहा जा रहा है कि ईद पर फिल्म रिलीज की जा सकती है। फिल्म राधे को लेकर पिछले दिनों कई तरह की बीती बातें आ रही हैं, उसमें से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर थी। बॉलीवुड के तमाम निर्माता ओटीटी प्लेटफॉर्म के शरण में पहुंच गए हैं और दूसरी ओर सिनेमा घर वाले आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनके आंसू पोछने वाला कोई नहीं है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर वालों को सबसे ज्यादा कमाई सलमान खान की फिल्मों से होती है और उनसे ज्यादा राधे का इंतजार किसी को भी नहीं होगा। कहा गया है कि राधे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे दिखाई दी जाएगी, इससे हलचल मच गई है। सलमान से जुड़े सूत्र के अनुसार एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सलमान को 250 करोड़ रुपए का ऑफर दे दिया था, जिस पर किसी का मन डोल जाता, लेकिन सलमान ने इस ऑफर को ठुकराने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। साफ कह दिया कि फिल्म तो पहले सिनेमा घर में ही रिलीज होगी। राधे के निर्देशक प्रभुदेवा ने भी कहा कि सलमान का फिल्म को पहले डिजिटल पर देखने का कोई इरादा नहीं है। इंतजार लंबा जरूर है, लेकिन भाई की फिल्म बड़े पर्दे पर ही रिलीज की जाएगी। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।